नमाज के लिए पाकी साफी की जरूरत, पाकी मतलब पवित्र होना, तो उसके लिए वजूद खाना। पानी आदमी ऐसे ही लेगा तो इसलिए आता है, इसके कुछ हिस्से हैं तो बाहरी हिस्से वो साफ होने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हाथ धोएंगे, इतना दो दिन में 5 बार वजू बना रहे, फिर हाथ धोएंगे, फिर नाक साफ करके भाई नाक साफ हो जाए, मुँह खुली करेंगे, हाथ कुछ खाया पिया वो साफ हो जाए, है ना। फिर हाथ का इतना हिस्सा बाहरी हिस्सा ये धोएंगे, बराबर, फिर पैर धोएंगे और मसा करते ऐसे आखिर में, ताकि इस पर भी धूल लगी हो थोड़ी बहुत तो वो साफ होगा। ये वजू का प्रोसेस है, मेन चीज़ है पवित्र होना। इधर से भी धोए या इधर से धोए इज नॉट ए प्रॉब्लम। आप पानी नहीं, हम यूँ भी धोते, अगर ये तो हो जाए, लेकिन अगर मस्जिद में ना लोग आने तो ऐसे भी धोएंगे, लेकिन ये कि जो बाहर का पार्ट है वो साफ होना चाहिए। और उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, मतलब ऐसा नहीं, आदमी को गुसल भी होना चाहिए, यानी ओवरऑल बदन तो हो लेकिन आप बाहर घूमता फिरता है तो उसको पवित्र होना चाहिए, तो धूल वूल लगी है तो साफ हो। ये असल में वजू का प्रोसेस है, आओ मैं आपको बता दूँ अंदर। और आपको कुछ पूछना भी हो नमाज वगैरह, आप लोगों ने मस्जिद तो देखी होगी, लेकिन मस्जिद में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये मिले तो ये तो मेरे से बड़े तो ये अच्छा समझे। आइए, हमारी 5 बारी की बड़ी जगह, आओ अंदर मजा आएगी, वहाँ मस्जिद में देखा आप जो पूछना हो। ये पुरानी जामा मस्जिद है, इसको अहमद शाह की मस्जिद भी कहते हैं, और ये अहमदाबाद की पहली मस्जिद है। जब ये अहमदाबाद शहर को बसाया 1411 में, तो अहमद शाह ने सबसे पहले ये मस्जिद था। लेकिन जो इतिहास की किताबों में ये लिखा है कि रॉयल फैमिली की मस्जिद, असल में सही नहीं, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। ये जगह कि अहमदाबाद कोई भी मस्जिद होती है ना, वो किसी की प्राइवेट नहीं है, वो नमाज सभी नमाजियों के लिए ओपन होती है। लेकिन अहमद शाह ने, अहमद शाह का जो अहमदाबाद है वो छोटा अहमदाबाद, ये बद्र का किला जो है ना, ये 8 इसके दरवाजे थे और 8 कोट के अंदर ही शहर था, जिसमें अमीर उमराव रहते थे और खास मतलब जो क्या कहते हैं मिलिट्री के लोग जो लोग थे वो रहते थे, वो सब नमाज यहाँ पढ़ते, लेकिन अलाउ सभी के लिए था। ये जो 12 अहमदाबाद, जो 12 दरवाजे वाला जो आप अहमदाबाद देखते हैं, ये महमूद बेगड़े ने बनाया, तो 12 दरवाजे महमूद बेगड़े ने बनाया। अहमद शाह का अहमदाबाद है वो 8। अच्छा, आपको ये मालूम है, आपने लाल दरवाजा नाम सुना है, लाल दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, यानी वो ये नहीं, 8 किले दरवाजे थे, उसमें से एक दरवाजा लाल दरवाजा था, जो जाली वाली मस्जिद के बीच में जो स्पेस है ना वहाँ था, जो बाद में रोड चौड़ा करने के लिए उसको तोड़ दिया। तो जो पुराना अहमदाबाद था वो ये था, और उसी का ये किला था। और पैलेस के बारे में ऐसा है कि मुजफ्फर शाही जो सुल्तान थे, यानी जफर खान के जितने वारिस में आए, उनका कहना ऐसा था कि हम पब्लिक के पैसे से अपना महल नहीं बना सकते, उनके बड़े घर थे लेकिन पत्थरों के महल नहीं। और जो MTS का ये बस स्टैंड है ना, वो पुराना पैलेस का वो था। क्या देखो, ये जो है ना, ये मस्जिद की एक पहचान है, कमान है। स्टार्टिंग जो रूलर थे उनमें ये पहचान नहीं थी, लेकिन ये बाद में जो कमान है ना, ये एक मुस्लिम आइडेंटिटी बनी आर्किटेक्चर। सुनना, होने तक जाएगी ये अल्लाह अकबर, इसलिए बोलते हैं मतलब अल्लाह सबसे, ईश्वर सबसे बड़ा महान है, ये एक इसकी मीनिंग है। नमाज की जो अलग अलग पोजीशन चेंज होती है ना, बीच में मुस्लिम अल्लाह अकबर बोलते हैं, मतलब ईश्वर सबसे महान, ईश्वर और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, जिसको सब एक निरा, यानी एक ईश्वर जिसने सबको पैदा किया है, उसी को अरबी में अल्लाह, यानी मुसलमानों का खुदा अलग है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। लेकिन ये कि इस्लाम है ना ईश्वरवादी रिलीजन है, मतलब वो बीच में किसी को नहीं, डायरेक्ट ईश्वर को मानना चाहिए, बीच में कोई धर्म गुरु ये वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो डायरेक्ट खुदा से मांगो, ये बेसिक कंसेप्ट इस्लाम का है, और रिलीजन को इसमें फर्क ही है ना। वो 1411 में बनना शुरू हुई, 1413 में 14 में कंप्लीट हो गई। तो जो बड़ी जामा मस्जिद है ना, वो 10 साल में बनी, 1414 से लेकर 1424। उन्होंने, अहमद शाह ने सोचा कि मैं हरम में यानी मक्का में जो मस्जिद है ऐसी बड़ी बनाऊं, इसलिए वो मस्जिद बनाई। ये पहली बात थी जो मस्जिद है ना, दिल्ली से बड़ी थी, आज में दिल्ली की जुमा मस्जिद बनी, इसके ऊपर से आइडिया लेके बनी। अब और 1424 में बनी जुमा मस्जिद। आपने सर पूछा था 5 वक्त की होगी, असल में इस्लाम का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आदमी जो है ना वो खुदा का बंदा बना रहा है, बंदा मतलब उसका फॉलोअर बना रहा है। तो जब जब बीच में वो जाता है बाजार में घूमने फिरने, तो नमाज उसको याद दिलाती है कि मरने के बाद भी तुझे एक ईश्वर के पास जाना है, हिसाब देना है जिंदगी। तो 5 वक्त उसको याद दिलाया जाता है। तो इस्लाम जो है ना ऐसा ईश्वरवादी रिलीजन है, 5 बार उसको दिन में याद दिलाओ, वीक में 1 बार उसका ट्रेनिंग दो,
तो ये जिंदगी में एक बार हज पढ़ा, और ईद में नमाज की दो ईद की नमाज होती है, तो एक ट्रेनिंग सिस्टम है इस्लाम। और रमजान में एक साथ सबको रोजे रखा, रोजा रखेंगे एक साथ खोलेंगे एक साथ खाएंगे ऐसा। तो एक जैसे एक महीने की ट्रेनिंग होती है हर कंपनी में, तो रमजान एक महीने की ट्रेनिंग है हर मुस्लिम के लिए कंपलसरी, और सबका एक साथ, ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर। अभी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। फ्राइडे क्या आपको ये, हाँ वो अच्छा सवाल, आ जाइए सर बात करिए। ये सर ने एक बात अच्छी पूछी फ्राइडे क्या। अच्छा ये आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या रविवार होलीडे क्यों है? नहीं आप बताओ, नहीं आप होलीडे है, ये पवित्र दिन है, और ये पवित्र दिन है ना ईसाइयों का है, क्रिश्चियनों का है। तो मुस्लिमों का पवित्र दिन फ्राइडे है, और जो इसराइल यहूदी है ना वो यहूदी, उनका शनिचर है। आप इसराइल में जाएंगे शनिचर को छोटी सी दुकान भी नहीं चालू होगी, सब क्लोज होगा। उनके लिए पूरा दिन यहूदियों के लिए कंपलसरी है, कुछ खाओ कुछ नहीं करना है। मुस्लिमों के लिए फ्राइडे है, लेकिन सिर्फ फ्राइडे का टाइम, जो दोपहर का टाइम होता है नमाज का, ये है। तो ये कम्युनिटी वाइज रिलीज डे फिक्स है पहले से। होलीडे रविवार को इसलिए क्योंकि वो क्रिश्चियनों का होलीडे है, पवित्र दिन, इसलिए वो रविवार को चर्च में जमा होता है। الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله अल्लाह की शैतान मरदूद से शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ रखो और खरीदो बरफ छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फसल तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब। वो दो काम शुरू हुए, एक मस्जिद बनाना और एक ही अहमदाबाद का कोर्ट बनाना। वो कोर्ट के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन ये पहली मस्जिद है, 3 साल में कंप्लीट हुई, 1411 में बनना शुरू हुई और 1414 को ही मुकम्मल। उसके बाद जो है बड़ी जामा मस्जिद जो है वो बनाई गई। एक सवाल जो मस्जिद के साथ जो होता है वो ये है कि मस्जिद जो मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ है, तो गुजरात में मुसलमान कैसे आए, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जानने की कोशिश करेंगे। आप जैसे कोई अगर पहली बार आए तो वो बताएं कि क्या क्या मालूम। तो कुछ भले बात सही गलत उसका मसला नहीं, लेकिन आप ये बताओ कि गुजरात में कब मुसलमान आया होगा? पट्टन से आए थे, पट्टन से, मतलब कितने साल हो गए पट्टन से आए हो आपने से? मतलब पट्टन को देखती है, मैं तो बहुत बनाने ऐसा सुना था। हाँ, ये गुजरात में कब आया फर्स्ट टाइम? हाँ में कटुम्बरा हमारे इसके स्पॉन्सर भी हैं के साथ में। तो वो अहमदाबाद गुजरात में जो मुसलमान आया ना उसकी तारीख से भी हम कब वाकिफ हैं, लेकिन आप मैं थोड़ा सा अंदाजा आपसे लेना चाहता हूँ, कितने साल हुए होंगे तो आए, टाइम कितना हुआ होगा? इसकी तामीर कौन से साल में हुई थी? 1411 1411 के पहले ही आए होंगे ना मुस्लिम? ये असल में ना मुसलमानों की पहली आमद जो है हिजरी सन 1500 की,
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा करके उसके 5 साल में मुसलमानी आए इतने फास्ट, उसकी वजह ही है। यानी वो इसी सन 631 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से विदाई हुई 5 साल में, यानी इसी सन 636 में मुसलमान गुजरात में आ गए, और उसकी एक वजह थी। और वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया हज का, उसमें आपने किया कि पूछा लोगों साहब किराम रदियल्लाहु से कि क्या मैंने आप तक बात पहुंचा दी, तो साहब किराम रदियल्लाहु कहा कि हाँ आपने बात तक पूरी पहुंचा दी। और वो जो कुरान की आयत थी, दीन मुकम्मल हो गया। कि तीन बार पूछा, तीन बार इसलिए पूछा कि उसमें लाउड स्पीकर्स नहीं थे, पहले ऐसे रुक करके पूछा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और सब ने साहब किराम रदियल्लाहु जवाब दिया कि हाँ हम तक बात पहुँच गई। फिर आपने आसमान की तरफ हाथ उठा कर कहा कि अल्लाह ताला मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया, यानी मैंने दीन पूरा पहुंचा दिया, मैंने अपना हक अदा कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक दीन पहुंचा दें। और इसी के कुरान में 11 है कि हमने नबियों को जिम्मेदारी दी कि काम पहुंचा दें, फिर आप उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी के दीन गैरों तक पहुँचा। यही वजह है कि बहुत छोटे से पीरियड में आबे साहबे के नाम बदलाओं की जो है पूरी दुनिया में फैल गई। तारीख लिखने वाले कहते हैं, सीरत लिखने वाले, कि जिसका घोड़ा जिस रूप में था उधर निकल गया, घर पे नहीं गए। अच्छा। यही वजह है कि अभी कल ही एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी कि दागिस्तान में साहब किराम का कपड़ा दूर दूर कर, उसकी वजह ये कि हमको दीन की दावत पहुँचा दी। तो बहरीन के जो एक गवर्नर थे हकम बिन आस रदियल्लाहु अन्हु, तो सबसे पहले बहरीन से काफिला जो है बॉम्बे का जो थाना बोलते थाना, हाँ, थाना। तो अरबी किताबों में उसमें थाना लिखा हुआ, वो थाना है। और दूसरा जो मुसलमानों की आमद हुई वो भरूच में हुई, और भरूच को बुरूच कहते थे, बुरूच मतलब ऊंची जगह है, तो बुरूच से भरूच हो गया। तो ये उसमें करीब में बिल्कुल मुसलमान आ गए। उसके बाद जो है मुसलमानों के व्यापारी काफिले आते रहे, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की राय ये थी कि हम समुद्री रास्ते से जाएंगे, ज़मीनी रास्तों से आगे बढ़ेंगे। तो फिर मुसलमानों के बहुत सारे कारोबार के पहले आए वो इसके लिए आए कि दीन की दावत पहुँचानी। दूसरी बार आए वो व्यापारियों के काफिले आए, आप मांगरोल, वेरावल, खंबार, धोगा, भावनगर के पास है वो, ये सूरत, ये सब जगह मुसलमानों की बस्तियां कामिल, और कुछ कहते हैं कि 10,000 की तादाद में मुसलमान वहाँ लोकल शादियाँ भी की, मस्जिदें भी तामिल की, जैसे गोगा में, मांगरोल में पुरानी मस्जिदें पड़ती थी। तो इस तरह मुसलमान क्या था। उसके बाद पॉलिटिकली यानी हिजरी सन 93 में, 93 में जो है सीन में मुसलमानों की हुकूमत बन गई, और उसके पीछे वो आतिया है ज़बरदस्त, एक मुस्लिम काफिला जा रहा था नाव से, उसको राजा दाहिर का सीन में यूँ किया और औरतें कैद हो गई। तो एक मुस्लिम खातून ने खत लिखा खलीफा के नाम, हज्जाज बिन यूसुफ खलीफा थे, बहुत अच्छे नहीं गिने जाते थे हिस्ट्री में, उनको बहुत अच्छा नहीं गिना जाता, लेकिन उनके पास खत गया और उसमें लिखा था कि क्या एक मुस्लिम खलीफा एक मुस्लिम औरत की हिफाजत नहीं कर सकता। तो हिस्ट्री लिखने वाले कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ उठा, यानी उस वक्त के गए गुजरे हमारे जो सुल्तान थे उनकी गहरत इतनी थी, और उसे चप्पू उठाया और सीन के नक्शे पर मारा और कहा कि सीन के नक्शे को दुनिया से खत्म करो, सीन को दुनिया से खत्म करो। उन्होंने 17 साल का अपना भतीजा रहा जिसको मोहम्मद बिन कासिम के नाम से दुनिया जानती है, उससे सीन खत्म, ये इसके पीछे किसके। वो हिजरी सन 93 में सीन की हुकूमत बन चुकी थी, और उसके बाद हिजरी सन 107 में वहाँ से चंद मुसलमान आए भाड़भूत में, लेकिन उसमें एक बीमारी फैली भरूच के बाद बाढ़ों, तो 1,000 लोग जो आए थे लगभग वो सब उसके इंतकाल हुए। उसके बाद मुसलमानों का आना ही नहीं हुआ। एक बार शाहबुद्दीन घोरी ने राजा बिंदे से हार गए, उसके बाद उन्हीं के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में जो है यहाँ के राजा थे उनको हराया बिंदे, लेकिन रुके नहीं चले। 1298 में घटना घटती है, यहाँ के कर्णदेव वाघेला जो यहाँ का राजा था, उसने एक अपना सेक्रेटरी था माधव, उसको महामत्य की पोस्ट थी उस वक्त, उसकी बीवी के साथ गलत था, उसका किडनैप कर लिया अपने, तो उसको बुरा लगा कि मेरे यानी इतना करीब का मैं मंत्री हूँ, मेरी बीवी के साथ इसने ये किया है। वो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी वहाँ गया और फरियाद की कि आप गुजरात पर चढ़ाई करो, मैं आपको साथ करूँ, मैं आपको बताऊँगा क्या करना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साले जो थे उलूक खान उनको यहाँ भेजा, और पहले मोड़ासा फतेह किया फिर पाटन फतेह किया। इस तरह मुसलमानों की हुकूमत जो है पॉलिटिकल जो है वो पाटन 1298 से लेके 1398 तक दिल्ली से सल्तनत में गवर्नर अपॉइंट होते। उस दौरान अहमदाबाद नहीं बसा था, लेकिन धोलका बस गया था, खंबात बस गया था, ये जो मस्जिद है वो अहमदाबाद से पुरानी मस्जिद। अब ये जो है
1298 में एक घटना घटती, तैमूर लंका दिल्ली पर अटैक होता है और दिल्ली सल्तनत बहुत कत्लेआम होती है, दिल्ली सल्तनत लड़खड़ाती है। तो उस वक्त अहमदाबाद के गवर्नर थे या गुजरात के गवर्नर थे जफर खान, वो अपने गुजरात को इंडिपेंडेंट आज़ाद घोषित कर, ऐसे ही बहमनी सुल्तानों ने आज़ाद, बहुत सारी हिंदुस्तान की सुल्तनत आज़ाद हो गई दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत बहुत छोटे उसमें रहे, ये जफर खान यानी अहमद शाह के जिन्होंने अहमदाबाद बनाया उनके दादा, ये इसकी हिस्ट्री। तो 1398 में भी जफर खान ने अपने पोते को अहमद शाह को जो है ये गादी सौंपी। उसकी वजह ये थी कि उनके बेटे से इख्तलाफ थे, उनको कैद करने की कोशिश भी की, फिर आखिर में उनका मतलब जो है हत्या हो गई और उसके पीछे अलग रीज़न बहस है। लेकिन पोते को हुकूमत मिली तो वो चाचा वगैरह नाराज हो गए, तो अहमद शाह बादशाह ने पहले भरूच में जो उनके बागी थे उन पर किया, और रिटर्न में जब वो आ रहे थे अहमदाबाद के पास जो बहरामपुरा इलाका कहलाता है वहाँ पर आसावल नाम की जगह हुआ गया, आसावल को फतेह किया, वहाँ रहे कुछ दिन। फिर आप इधर घूमने निकले तो आपने देखा कि ऊंची जगह अच्छी है, मैं यहाँ शहर बनाऊँ। उसके पीछे दो वजह थी, एक तो वहाँ पाटन में पॉलिटिकल खींचाकानी बहुत बढ़ गई थी, उनके भतीजे वो मतलब दादा पोते को हुकूमत मिल गई तो बहुत सारे लोग नाराज थे। दूसरा ये था कि अहमदाबाद सेंटर में था, पूरे गुजरात में नज़र रखी जा सकती, इस वजह से अहमदाबाद का सिलेक्ट किया। उन्होंने जो सरखेज के शेख अहमद गजबक रहमतुल्लाह अलैह सूफी थे उनसे मशवरा किया, उनसे बहुत मुतासिर थे कि मैं शहर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक राय दी कि आप ऐसे चार शख्स तलाश करके लाओ जिसकी एक भी असर की नमाज कजा नहीं हो। एक तो सूफी बुजुर्ग खुद थे जो शेख अहमद गजबक्श, एक अहमद शाह बादशाह भी, तो असर की नमाज में अक्सर कारोबार की भागदौड़ में आदमी छोड़ देता है, और एक मलिक अहमद है जो तबलीग जमात का मरकज़ है, था पुराना मरकज़ जो था उसके बाहर मलिक अहमद का मज़ार, और एक काजी अहमद जूझ करके है पट्टन में उनका मज़ार, ये चार अहमदों ने अहमद इसकी बुनियाद रखी अहमदाबाद, ये हिस्ट्री है। तो ये 1411 में पहली मस्जिद बनना शुरू हुई 1414। ये जो आप ये कमान देखते हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्चर की पहचान है, ये तुर्कियों की खिलाफत आई उसके बाद, शुरुआत में 400 साल में ये ऐसी पहचान नहीं, लेकिन तुर्कियों के पास खिलाफत आई तो ये जो कमान आप देखते हो अलीगढ़ वगैरह जहाँ भी मुस्लिम आर्किटेक्चर को आपको कमान नजर आए, ये कमान जो है तुर्कियों के दौर में इसकी आइडेंटिफिकेशन। इसका आप ये सुकून देखते हैं मस्जिदों के तो सब अलग अलग है, कोई एक डिजाइन नहीं है। देखो आप ये पहली मस्जिद थी ना, तो इसमें थोड़ा सा वो है कि जो पत्थर मिला जैसा किया एक सरखापन नहीं है, अलग अलग है। और ये आपको जैसे आठ पिलर्स पे जो ये गुंबद दिखता है आपको हर मस्जिद में नजर आएगा, आठ पिलर्स के सपोर्ट में बाजू के चार कॉर्नर पिलर्स है, बस ये कंस्ट्रक्शन नजर आएगा। और ये जो मेहरा ये जो मुलक खाना है ये औरतों के लिए नमाज पढ़ने की जगह है, ये अहमदाबाद की सिर्फ चार मस्जिदों में शाही मस्जिदों में, और इसका बाहर से रास्ता है औरतों के जाने के लिए। तो उस जमाने से पहले मस्जिद ये औरतों के लिए नमाज का इंतजाम हुआ करता है, सो मुलक खाना के बाहर से इसकी जाने के। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हैं तो किसी को भी मालूम ही नहीं था। हाँ मुलक खाना है चार मस्जिद में अहमदाबाद, यहाँ है बड़ी जामा मस्जिद में, झुलता मीनारा में, और सरखेज, चार जगह औरतों के लिए इंतजाम। पहले उस जमाने भी औरतों के लिए मस्जिद में जगह हुआ करती थी, बाद में हमारे यहाँ आज भी बहुत सारी जगह औरतों के लिए इंतजाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी की बात, इस्माइल भाई जो यहाँ के ट्रस्टी है उन्होंने एक और इंतजाम किया। वो यहाँ अक्सर मसला है, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ जॉब करती हैं तो उनके लिए मसला होता, कोर्ट भी करीब में, लेडी एडवोकेट भी है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नमाज़ पढ़ने कहाँ जाएँ, तो रमज़ान में स्पेशल इंतजाम होता है यहाँ पर। जौहर असर की साहब आप देखो बहुत बड़ी तादाद में औरतें लड़कियाँ जो जॉब करती हैं सब यहाँ नमाज़ पढ़ने आती हैं, उसके लिए वहाँ स्पेशल इंतजाम बाकायदा वजू का है और सब कुछ है, एक बहुत अच्छा इंतजाम वगैरह है। और ये जो गुंबद है गुंबद ये एक इसलिए भी होते थे कि आज इमाम साहब के जमाने तो स्पीकर्स नहीं होते थे, आवाज गूंजती है दूर तक जाती है, अल्लाह अकबर अब बिल्कुल कोना होगा ना वहां तक भी आपको आवाज सुनाएगी। तो गुंबद बनाने के पीछे एक वजह लॉजिक ये भी हुआ था, आवाज आपको ठीक दूर तक सुनाई है ना। और ये इसका मेहराब है, इसे और भी मेहराब है खूबसूरत बनाने के लिए भी है, और ये पुरानी सबसे पहली मस्जिदों में से एक है। अब ये इसकी जालियाँ हैं, वो ये जालियाँ ना वो अहमदाबाद की आर्किटेक्चर की पहचान है, कोई भी जाएगा सरखे में जालियाँ हो, ये खूबसूरत जालियाँ हैं अहमदाबाद की आर्किटेक्चर की पहचान है। और ये इब्तदा में इसलिए थोड़ी सिंपल है, फिर जैसे जैसे बाद में महमूद बेगड़े के ज़माने की मस्जिदें आप देखोगे
तो ये आर्किटेक्चर और अच्छा होता जाएगा, छोटी और बहुत अच्छी नक्शेदार जालियां आपको नजर आएगी। ये चंद बात ही, अब आप देख सकते हैं, कोई फोटो लेना चाहे तो ले भी सकते हैं, फिर हम इंशाल्लाह और लेकर चलेंगे। सर मैंने एक मार्क किया, ये जितने पिलर हैं सब एक ही मतलब इसमें है, एक पे आगे पीछे नहीं है। हाँ, वो डिजाइन तो अच्छा, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो एक भाई ने आपने एक सवाल किया था कि भाई अहमदाबाद की ऑफिशियल हिस्ट्री मुझे जाननी है, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, इसके ऊपर हमारे पास दो ऑथेंटिक किताबें हैं जो गुजराती में ट्रांसलेट हो चुकी है, हिंदी में भी ट्रांसलेट हो चुकी है और उर्दू में भी मिल जाएगी। उर्दू में अहमदाबाद में टफ है, हिंदी गुजराती मिल जाएगी। एक है मिराते सिकंदरी और एक है मिराते अहमदी। ये दो किताबें आप खरीद लो, मेरी ये गुजारिश है, और उसको पढ़ना स्टार्ट करो तो ईजिली आपको सारी जो भी हिस्ट्री है थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी आसिफ भाई ने थोड़ा आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है, फिर भी मैं उसमें इजाफा करना चाहता हूँ। पर्टिकुलर जो जाली है ना, जाली उसके मल्टीपल वर्क है, ठीक है, क्योंकि वो जो जगिया है वो औरतों के लिए, औरतों को नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है, और इस्लाम के अंदर औरतों को क्या है, पर्दे में रहने का हुक्म है। तो अगर आप यहाँ से अंदर की तरफ देखोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बट अंदर बैठी हुई औरत को बाहर देखना है, उसकी फैमिली मतलब उसका जो भी मर्द है या उसके साथ जो भी महरम आया है वो कहाँ है, तो अंदर से वो ऑटोमेटिकली इजीली देख सकते हैं। दूसरा एयर सर्कुलेशन, ठीक है, मतलब एक पर्दा होने के बाद ही, जा बिल्कुल दीवार बंद नहीं किया कि सफोकेशन हो जाए, एक पर्दा होने के बाद भी एक एयर सर्कुलेशन अंदर चलता रहेगा जिससे सफोकेशन ना हो, ठीक है। और तीसरा खूबसूरती, क्यों, क्योंकि औरत के साथ खूबसूरती जुड़ी हुई है, तो उसके साथ बनी हुई हर चीज़ के साथ खूबसूरती होनी चाहिए। तो ये वन वे विजन का भी काम करती है, अगर मौका मिले तो अंदर जाके आप एक्सपीरियंस करके देखना, यहाँ से अंदर का आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, बट अंदर से बाहर का आपको सब कुछ दिखेगा। दूसरा कि ये जो मस्जिद है बेसिकली ये सेकेंड हैंड पत्थर से यूज किए हुए पत्थर से बनी, मतलब अहमदाबाद के अतराफ के अंदर जितने भी पुराने मंदिर टूटे वगैरह थे उसका मटेरियल यूज हुआ, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे तो हर एक पिलर की डिजाइन भी अलग है, ठीक है। अब ये क्या रीजन था कि इसको सेकंड, क्या सुल्तान के पास इतना पैसा नहीं था कि सेकंड हैंड पत्थर से बनानी पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं होता था, पैसा तो था लेकिन अभी हमारे पास ट्रक है, क्रेन है, इतने अच्छे इक्विपमेंट है कि हम इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। कि भाई मुझे अगर 500 टन की भी कोई चीज़ लानी है तो एक दिन के अंदर मैं ट्रांसपोर्ट उसको करवा सकता हूँ। बेसिकली ये जो है ना, ये है सैंडस्टोन, ठीक है, रेतीला पत्थर बोलते हैं इसको, और ये येल्लो सैंडस्टोन है। गुजरात के अंदर स्पेशली ये दो जगह पर बनता है, एक ईडर में और एक सुरेंद्रनगर में, दोनों ही गुजरात से ऑलमोस्ट 100-125 किलोमीटर दूर है। और आज से 600 साल पहले 125 किलोमीटर दूर से कोई चीज़ लाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, वक्त जाया करना, पैसा बर्बाद करना, और लाने के बाद उसकी क्वालिटी सेम, क्योंकि जितना टाइम लगेगा उसके ऊपर धूप, मिट्टी, बारिश, उसकी इफेक्ट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर करीब में जितने भी पत्थर उनको मिले, ठीक है, तो उसका यूटिलाइजेशन करके इसको बिल्ड किया है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो जेठा भाई की एक वाव है ईसनपुर के अंदर, शायद किसी ने देखी हो। जेठा भाई की वाव अगर आप देखोगे तो लगेगी आपको बहुत पुरानी, बट दरअसल है वो सिर्फ और सिर्फ 150 साल पुरानी, 1860 के अराउंड वो वाव का बांधकाम हुआ था, बट ऐसे ही पत्थरों से बनी हुई है। वो वाव के अंदर ये कहा जाता है कि जो झुलता मीनारा मस्जिद जो गिरी थी उसके पत्थर, उसके अलावा एक दो और मंदिर और एक दो मस्जिद और जिसका मटेरियल पड़ा हुआ था, जेठा भाई ने वो परचेज करके वाव बनाया, ठीक है। तो अगर मैंने किसी को पैसा देकर मटेरियल यूज़ किया है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो अगर आपको कोई गैर मुस्लिम कहता है, ठीक है, कि भाई ये मस्जिद जो है ऐसे मतलब मंदिर के ऊपर ही बना दी गई है, तो आप उसको इस तरह से काउंटर कर सकते हो। एक और चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ, कल्चरल अडॉप्शन। देखिए इस्लाम ने कभी भी कल्चरल अडॉप्शन से मना नहीं किया। आप चीनी मुस्लिम को देखोगे ना तो बिल्कुल चीनी ही दिखेगा, आप गुजराती मुस्लिम को देखोगे वो गुजराती ही दिखेगा, आप बंगाली मुस्लिम को देखोगे वो बंगाली दिखेगा। क्यों? एक इस्लाम कल्चर अडॉप्ट करने से मना नहीं करता है, सिवाय कि हमारे जो पांच मूल सिद्धांत है उसको डायरेक्ट अटैक ना करता हो, ठीक है। तो गुजरात के कल्चर के अंदर नागर शैली जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर नक्काशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप उनके कोई भी आर्किटेक्चर के अंदर देखोगे तो नक्काशी देखने मिलेगी, ठीक है, वो सेम नक्काशी को हमने अडॉप्ट किया। इसको बोलते हैं इंडो सारासनिक, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है।
जिसके अंदर आपको जगह जगह पर नक्काशी देखने मिलेगी। सेम नक्काशी आपको जैन मंदिरों में देखने मिलेगी, सेम नक्काशी आपको हिंदू मंदिरों में देखने मिलेगी। रीजन क्या, ऊपर का जो लीडर था बनाने वालों का, ठीक है, वो मुस्लिम था, बट नीचे काम करने वाले जो कारीगर थे वो तो सारे के सारे नॉन मुस्लिम ही थे, और वो सारे कारीगरों को ये छूट दी गई थी कि आपको जैसे भी इसका बिल्डअप करना है आर्किटेक्चर वाइज कार्विंग वाइज आपको जो नक्काशी करनी आप कर सकते हो, सिवाय के आंखों वाली कोई चीज उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए पिल्लरों में आप कुछ जगह पर देखोगे ना तो आपको ऐसा एहसास होगा कि कुछ मूर्ति जैसा था बट उसको मिटाया गया, तो वो उसी कारीगरों ने मिटाया है। जब बनाने के टाइम पर उनको ये दिखा कि भाई ये आंखें वाली चीज है और हमको ऑलरेडी इसका ऑर्डर आ चुका है कि आंखों वाली चीज इसके अंदर शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी इबादतगाह के अंदर अलाउ नहीं है, तो उसको मिटाया गया, ठीक है। इसीलिए मस्जिद के सारे पिल्लर अलग है, सारी डिजाइन अलग है, पिल्लर की डिजाइन अलग है। लेकिन लोगों ने बदर कर दिया, आप बताओ ये बदर का किला था। और हमारे एक जो गाइड है शेख मतलब सीए साहब, उनके मुताबिक तो कहता है कि बदर के मानो अच्छा एक न्यायप्रिय मतलब और इंसाफ पसंद आदमी, उससे ये बदर का किला ऐसा उनका मानना है। तो ये बदर के से ये किला, बदर का किला पट्टन में भी है, हाँ, तो उसको बदर से लोगों ने बदर का कर दिया। तो अहमद साहब आसा जब आए तो इब्तिदा में दो काम किया, मस्जिद बनाना और ये किला बनाना। और ये किला जो था ना, ये पुराना अहमद शाह के ज़माने का कोर्ट के एक पार्ट है ये, बराबर 8 दरवाजे थे उसमें से। अभी आपको मैंने पूछा होगा, शायद पता होगा, लाल दरवाजे में लाल दरवाजा कहाँ है? दरवाजा कहाँ है? नहीं है, ये जो जाली वाली मस्जिद है ना वो इसके बाद में, इसका देखो ये कोर्ट है, नहीं है, ऐसे ऐसे जाता है ये टेलीफोन की बिल्डिंग के वहाँ से, आप पीछे भाग थोड़ा सा हिस्सा आपको नजर आएगा वहाँ, फिर वो ऐसा ही था पूरा, खानपुर दरवाजा भी इस्तेमाल था। ये अहमद शाह के जमाने का अहमदाबाद इंटरनल एरिया, पब्लिक रहती थी, फिर धीरे धीरे तादाद बढ़ती गई। लेकिन ये जो 12 दरवाजे ना, ये महमूद बेगड़ा के जमाने के बने हुए, अच्छा, फिर अहमदाबाद धीरे धीरे डेवलप हो गया। और महमूद बेगड़े के जमाने के उनके बहुत सारे अमीर थे, सिपे सालार थे, उन्होंने बनाए, जैसे कालूपुर था मलिक कालू ने बनाया, दरिया खान थे मलिक दरिया खान, उन्होंने दरियापुर बनाया, सारंगपुर मलिक सारंग ने बनाया, मलिक नवरंग ने नवरंगपुरा बनाया। नवरंगपुरा के बारे में भी नहीं मालूम है लोगों को, तो मलिक नवरंग थे सिपे सालार, मलिक ईसन ने ईसनपुर बसाया। तो इस तरह से अहमदाबाद धीरे धीरे डेवलप हुआ और 12 दरवाजे बनाए। वो जो प्रेम दरवाजा और पांचवा दरवाजा, ये अंग्रेजों ने बनाए, क्योंकि अहमदाबाद में ट्रैफिक बढ़ गया था, ट्रेन आ गई थी, तो वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान आता था उसको एंटर होने के लिए प्रेम दरवाजा और पांचवा दरवाजा बनाया। और ये अंग्रेजों के ज़माने में 1849 में, ये घड़ियाल आप देखते हैं ना, 8000 खर्चे में अंग्रेजों ने रखी हुआ थी, बराबर मुगलों के ज़माने में यह तोप हुआ करती थी, 18 तोपें थी यहाँ पे। तो ये मेन इसका एंट्रेंस था। और ये जैसे चाइना में बीजिंग में तियामेन स्क्वायर है ना, ऐसा बहुत बड़ा चौक था, 1600 फुट बाय 800 फुट का लम चौरस चौक था, उसके 4 दरवाजे थे, एक खारू के नाले की तरफ, एक वो सलापस रोड है उस तरफ, और एक वो तीन दरवाजा, तीन दरवाजा ये दो, 4 दरवाजे में से 2 दरवाजे, ये चौक था जिसमें पोलो यानी हाथी पे बैठकर जो खेलते थे राजा वगैरह वो सब खेल होते थे। और 3 दरवाजा है, उसके पुराने फोटो हमारे लोगों ने डाले हैं, आपने देखोगे ग्रुप में, उसके ऊपर भी एक बैठने की जगह थी। तो जो औरतें थी यहाँ की, रानी वगैरह और वो सब राजा के खानदान, वो लोग वहाँ सुल्तान वहाँ बैठ के देखते थे, ये सब गेम वगैरह होती थी या तो परेड होती थी लश्कर की, वो सब बीच में ग्राउंड में होती थी। और बाद में लोग ऐसा कहते हैं कि पीछे फुवारा था पुराने ज़माने का, तो उसका पानी यहाँ के भद्र के किले में से कुएं में से पानी वहाँ तक आता था। और ये जो कारंज स्टेशन बोलते हैं, हमारे प्रोफेसर जुबेर कुरैशी साहब का कहना ऐसा है कि कारंज लफ्ज जो आया ना कैनाल से आया, पानी की एक कैनाल यहाँ से लेके बड़ी जामा मस्जिद तक जाती थी, कैनाल को बोले फारसी में कारंज बोलते हैं, इसलिए कारंज एरिया हो गया, कारंज पुलिस स्टेशन है। अच्छा, तो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री है। अहमद शाह के ज़माने में जो है 4 मस्जिदें तामीर हुई, और वो है ये मस्जिद बड़ी जामा मस्जिद, ये खानपुर में पत्थर वाली मस्जिद है, कल्याणी वार्ड, वो हैबत खान जो थे वो
अहमद शाह के चाचा थे तो अहमद खान की मस्जिद जमा चार मस्जिद अहमद शाह बादशाह के ज़माने में बनी और उन्होंने दूसरी चीज़ें तामीर की, दूसरी और शहर भी तामीर किए, लेकिन बाद की जो मस्जिदें जो बनी है वो महमूद बिगड़ा के ज़माने में बनी है, वो कांच की मस्जिद बोलते हैं जो, हाँ उसके बारे में पुरानी मस्जिद में भी है लेकिन वो 1000 साल पुरानी कहते हैं, वो हिस्ट्री ऑथेंटिक नहीं है, पुरानी मस्जिदों में से वो भी अहमद मुर्तुजा की एक मस्जिद जो बनाई ना अलीफ की मस्जिद, सर उनको बनाने वाले अहमद मुर्तुजा थे तो अहमद के नाम से वो अलीफ की मस्जिद हो गई, ठीक है, वो भी बड़ी जामा मस्जिद बनी, उसके साथ साथ पैरेलल ये भी बनी है अहमद मुर्तुजा की। और ये जो खिलाफत मूवमेंट चली उस वक्त आपको इसको शौकत मैदान बोलते हैं, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर यहाँ आए थे और खिलाफत मूवमेंट में बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जमा हुए थे, तो इसके लिए इस जगह को शौकत मैदान भी बोलते हैं, शौकत मैदान मौलाना शौकत अली के नाम से शौकत मैदान, हाँ। और ये जो खास बाजार कहते हैं खास बाजार भी बोलते हैं 400 साल पुराना, यानी वो कलीम बुक डिपो ने जो दुकान है ना उर्दू बाजार भी बोलते हैं, खास बाजार 400 साल पुराना। और बाजू में आजम खान की सराय हम बाहर से देखेंगे तो मुगलों के ज़माने में जो गवर्नर थे आजम खान, उन्होंने सराय बनाई है, सराय मतलब जो मुसाफिर खाना है, उस ज़माने में लोग मुसाफिर रहते थे, और भटियार खाना इसलिए भी है कि यहाँ रहते थे और खाना वहाँ होता था, अच्छा। और उस ज़माने में गेस्ट हाउस नहीं होते थे, हमारे प्रोफेसर अबरार साहब का मानना ऐसा है कि उस ज़माने का सिस्टम ऐसा था कि भटियारा जो कौम है वो नीचे खाना खिलाते थे, ऊपर गेस्ट हाउस थे, उनके मकानों में ही वो मुसाफिरों को रुकाते थे, खाना भी खिलाते थे और मकानों में रुकाते भी थे, तो इस तरह से वो ये भटियार गली इसलिए मशहूर है, ये सराई में लोग रहते थे, वो खाना वगैरह भी खिलाते थे उस जमाने के गेस्ट हाउस से, जो भटियारा लोग अभी भी है क्या वो सराई, पहले सराई है पर वो गवर्नमेंट का यहाँ प्रिंटिंग वो हो गया है, बुक स्टोर बन गया है मुद्रालय करके, हाँ अंदर अपने वहाँ तक जाएंगे, लेकिन इतना सा एरिया है। पीछे जो आजम खान की सराई का हिस्सा मैंने देखा है, पहले कोर्ट थी सेशंस कोर्ट, तो पुरानी इमारत सब ढा दी गई क्योंकि कुछ हमारी वैल्यूज नहीं थी, हमको तो नई कोर्ट बन गई है, खाली आप आजम खान की सराई का आगे का हिस्सा है हम, तो आगे आगे वहाँ जाकर देखते हैं। तो उस जमाने के पुराने जो मदरसे थे उसमें सबसे बड़ा मदरसा में ये गिना जाता था, साउथ का मदरसा है ना, वहाँ लोग आते थे, और रूपाली जो सिनेमा थी असल में मदरसे के बच्चों की हॉस्टल थी, बाद में उस जगह पे ट्रस्टियों ने बेच दी और फिर रूपाली सिनेमा बन गई, लेकिन मदरसे के बच्चों की हॉस्टल हुआ करता, उसमें ऐसा जिक्र है कि बच्चों की हॉस्टल है उसके सामने सुल्तानों के महल हुआ करते थे, यानी जो सरदार बाग है अभी उस ज़माने में महल हुआ करते होंगे, लेकिन मराठाओं के दौर में सब ढा दिए गए। और प्रोफेसर अब्बासी साहब का ऐसा मानना है कि मुजफ्फरशाही सुल्तान यानी जफर खान के औलाद में से जो भी सुल्तान बने उन्होंने पत्थरों के महल नहीं बनाए, मस्जिदें तामीर की, उनका मानना ऐसा था कि हम आवाम के पब्लिक्स के पैसों से अपने महल नहीं बना सकते, तो बड़े घर हुआ करते थे लेकिन महल नहीं तामीर किए, लेकिन वो मकान सब वो लाल दरवाजा का बस स्टैंड सरदार पार्क वही हुए होंगे मराठों के लोग। और ये जो नगीना वाड़ी है तलाव, हाँ वो बनाया कुतुबुद्दीन जो थे ना अहमद शाह के बेटे जो है मोहम्मद शाह और उनके बेटे कुतुबुद्दीन, उनके दो मतलब दो बेटे एक मशहूर हुए कुतुबुद्दीन जिनके नाम से सुल्तान कुतुबुद्दीन की दर वो मस्जिद है दिल्ली चक्की, उन्होंने दो मशहूर हौज बनाए सरखेज का और कांकरिया, उसको हौज कुतुब बोलते हैं, हौज कुतुब है कांकरिया जो है वो, तो वो दो नहीं वो सरखेज रोजे में जो था वो शेख अहमद गंजबख्श ने वजू खाना था, फिर धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ने उनको बड़ा बना वो बनाया मतलब घूमने फिरने की जगह के लिए भी था एक हौज के तौर पे, और फिर बाद में महमूद बेगड़े के ज़माने में रानी का महल राजा का महल वो सब बने, उसको एक अच्छा सा मतलब वो बनाया, और वो वहाँ रहने आते थे, उनका तीन मुकाम होते थे, ठंडी में वहाँ गिरना वहाँ रहते थे जूनागढ़, गर्मी में यहाँ रहते थे, फिर बारिश में उधर जाते थे महमदाबाद, इससे अलग अलग सीजन वाइज रहते थे। कांकरिया है वो मुगलों की रहने की जगह थी, मुगल शाही लोग थे ना, तो शाहजहाँ जब अहमदाबाद में आया उसके लिए जो सरदार पटेल है शाही बाग में वहाँ, तो वहाँ उसके लिए महल को जैसा बनाया, तो उसको उसका एंट्रेंस छोटा था, तो उसको हाथी पे से उतरना पड़े ऐसा था, उसने कहा कि ऐसे महल में नहीं जाना पड़े जहाँ मैं हाथी से उतरना पड़े, तो वहाँ नहीं गया, वो कांकरिया नगीनावाड़ी जाकर होगा, और नगीनावाड़ी वो मुगलों की जगह थी, वो जब भी मुगल आते थे तो पैलेस में भी रहते थे लेकिन वो वहाँ भी रहते थे नगीनावाड़ी में, नगीना आप बीच में हो रुकने के लिए बनाई थी असल, तो मुगलों के दौर में ज्यादातर जो मुगल जो रहते थे वो सुल्तान वहीं रहते थे नगीनावाड़ी। तो ये बनाई किसने जी? किसने? कुतुबुद्दीन, हाँ यानी अहमद शाह के पोते,
जिनका बाजार अपने बादशाह के अजीरे में देखेंगे हाँ। उन्होंने बनाया। ऐसे अहमद शाह जितने मशहूर है, 32 साल उन्होंने राज किया, उनके बेटे इतने मशहूर नहीं थे मोहम्मद शाह, और लोग तो ऐसा कहते इतने काबिल नहीं थे। और एक बार एमपी के सुल्तान ने अटैक किया तो ये किसी बनिया जो उनके मंत्री थे उन्होंने मशवरा दिया कि अब चलो भाग चलते स्वराज की तरफ, वो चले गए। उसके बाद उनके जो वजीर वगैरह थे उन्होंने उनसे गद्दी से उतार दिए कि ये काबिल शख्स नहीं है। उसके बाद उनके बेटे कुतुबुद्दीन को, जो उनके पोते थे, उनको बनाया गया। हाँ, और कुतुबुद्दीन के बारे में बहुत अच्छी राय हिस्टोरियंस की नहीं है, अब ये जो रियलिटी आपके सामने रखता हूँ, वो कभी नशे में रहते थे। अच्छा। उनके जो साबान मलिक, जिनके नाम से अभी वहाँ बड़ा मलिक साबान स्टेडियम है, मलिक साबान है असल में, मलिक मतलब मिल्कियत से बना है, मलिक इस इलाके के जो सिपाही सालार थे उनको मलिक की तो मतलब उपाधि दी जाती, मलिक कहते थे। तो जब एमपी के सुल्तान ने अटैक किया तो मलिक साबान उठाया के बाद सुल्तान उठो, गुजरात पर हमला हो गया, वो नशे की हालत, वो ऐसा रहा है, मतलब जो रियलिटी, 9 साल उन्होंने राज किया गया। फिर वो आते सिपाही साहब उमराव थे, उन्होंने सोचा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका मर्डर कर दिया गया, नशा वगैरह जहर वगैरह दिलाकर लोग कुछ भी। फिर उन्होंने सोचा कि छोटे बच्चे को अपने लाकर उसको हाकिम बना देते ताकि वो अमुक लोग ये सोचते थे कि हमारी बात मानेगा। तो 13 साल का जो बच्चा था कुतुबुद्दीन की मतराई माँ का बेटा था, और कुतुबुद्दीन हमेशा इस ताक में रहते थे कि मैं महमूद बेगड़े को खत्म कर, फतेह खान नाम था, बाद में वो महमूद बेगड़े बने मशहूर सिपाही सालार, 52 साल गुजरात पर हुकूमत की सबसे हाईएस्ट, 13 साल की उम्र में अल्लाह ताला इतना ज़बरदस्त जैन दिया था, 1 साल के अंदर वो पहचान गए कि सल्तनत के वफादार कौन थे, और जितने बागी थे सबको कत्ल कर दिया, और जो मलिक साबान जिनको कैद किया गया था उनको उन्होंने आज़ाद किया। ये इसी भद्र के किले में उनको कैद किया था मलिक साबान, उनको आज़ाद किया, बागी लोगों को कत्ल किए, और इस तरह से महमूद बेगड़े ने 52 साल हुकूमत की। महमूद वन टू थ्री थे, महमूद बेगड़ा वो एक टाइटल ही है, उनको उसी नाम से जाना जाता था, महमूद बेगड़ा इसके लिए बोलते थे क्योंकि उन्होंने दो गढ़ एक साथ जीते, महमूद टू ऐसा है, लेकिन इनको महमूद बेगड़े के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने दो गढ़ जीते थे, जूनागढ़ और पावागढ़ एक साथ एक ही समय पे। अच्छा, इनका मजार जो सरखेज में है वही ना, शेख अहमदगंज में टेंपल है, उनके सामने ही। तो आपके बारे में तो ऐसा सुना था कि जहाँ हाथ डालते थे वहाँ से खजाना निकलता था, कुछ चीजें लोगों ने घड़ ली। आसिफ भाई एक, हाँ एक मिनट, देखिए अपने पास है ना, हमारी तकलीफ ये है कि हमने कारनामे वालों को छोड़ दिया है और करामतों वालों को पकड़ लिया। करामतें कभी कभी होती है, देखो करामतों से इनकार नहीं है, करामतें कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती, लेकिन कारनामे जब धारो तब हो सकते हैं। हमारी तकलीफ ये है कि हमने कारनामों को छोड़ के बस करामतों के ऊपर हमारा दारो मदार बिठा दिया, तो करामतें होगी कभी कभार वाली, अपने उससे इनकार नहीं करते। बाकी कारनामे उनके ये है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा हुकूमत की गुजरात के ऊपर और सबसे समृद्ध गुजरात की हुकूमत बनाई, यहाँ तक कि गुजरात की जो बॉर्डर है वो माहिम तक फैली हुई थी, महाराष्ट्र का जो अभी माहिम हिस्सा है, ठीक है, जो बॉम्बे वगैरह है, माहिम की दरगाह को भी जो मंथली पैसा जाता था वो गुजरात सल्तनत से जाता था। तो ये उनके कारनामे, तो हम ज़्यादा फोकस कारनामों पर करेंगे, द्वारका से लेकर बुरहानपुर और इधर चित्तौड़ राजस्थान का साउथ राजस्थान यहाँ से वहाँ तक, और इतना बड़ा गुजरात था और जो एम्बेसडर थे ना यूरोप के वो यहाँ आते थे, यानी दिल्ली सल्तनत में जो जाता था ना वो यहाँ भी आता था स्पेशल, यानी इतना बड़ा स्टेटस था, इतनी बड़ी वो तो अंग्रेजों की बात है, पर गुजरात सल्तनत में क्या रखे, गुजरात सल्तनत दिल्ली सल्तनत से 175 साल आज़ाद रही, यानी जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, ये मस्जिदें बनी, मैंने आपको बताया था ना कि 1398 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया 1298 में, तो वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया गुजरात, 100 साल तक गवर्नर अपॉइंट हुए, लेकिन 1398 में तैमूरलंग ने अटैक किया, उसके बाद गुजरात आज़ाद हुआ, वहाँ से लेकर 1572 में अकबर ने अटैक किया अहमदाबाद पे, वहाँ तक 175 साल जो ये गुजरात जो है वो आज़ाद रहा। उसी दौरान ये मुस्लिम सल्तनत की जो मस्जिदें वगैरह बनी उसकी हेरिटेज वैल्यू इसलिए है, आपने सवाल पूछा तो अभी बता दूँ, ये जब दिल्ली और आगरा नहीं बसे थे ना तब अहमदाबाद बसा था, ये वैल्यू को हमको नहीं मालूम, यानी उस वक्त जो टूरिस्ट आते थे वो दिल्ली आगरा नहीं जाते थे, यहाँ आते थे देखने के, इतना फेमस प्लेस था। और दूसरी एक बात ये है कि मुगलों का जो सरदार शाहजहाँ थे, जहांगीर औरंगजेब और शाहजहाँ के लिए तो कन्फर्म बात है कि इनका बचपन यहाँ बीता है, उनकी जवानी यहाँ बीती है अहमदाबाद में,
और कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि जो उन्होंने दिल्ली में तामीर किया वो यहाँ का ही कंसेप्ट था जिसको उन्होंने ज्यादा अच्छा मार्बल में उसमें डेवलप किया। इंस्पायर यहाँ से इंस्पायर होकर आगरा और दिल्ली को सजाया गया, इसीलिए आप देखोगे तो गुजरात का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वहाँ पर इन्फ्लुएंस आपको दिख जाएगा। औरंगजेब का तो जो जन्म हुआ था वो दाहोद में हुआ है, गुजरात के दाहोद उसका बर्थ प्लेस है। और शाहजहां और जहांगीर बहुत लंबे वक्फे तक यहाँ के सूबेदार रहे। जब अकबर बादशाह ने गुजरात सल्तनत को हरा कर अपनी सल्तनत के अंदर शामिल किया तो सुल्तान क्या करते थे, गवर्नर अपॉइंट कर देते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए प्रॉपरली। तो यहाँ का जो गवर्नर था, ठीक है, लंबे वक्फे तक शाहजहां रहा और जहांगीर भी रहा, इवन औरंगजेब भी रहा है, और मुगल के ऑलमोस्ट जितने शहजादे हैं वो गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं, यहाँ तक फर्रुख शियार भी रहे और शाह आलम दूसरा भी रहे। जहांगीर ने तो बोला ना ये सिर्फ धूल से ही बना। हाँ, लेकिन उनको वो मस्जिद बहुत अच्छी लगी, बड़ी जामा मस्जिद, वो तो हिस्ट्री में जो चीजें हैं वो लगा है। हाँ, अभी तो भाई इसका नाम है, लेकिन औरंगजेब को है बदरा करना चाहिए, हमारे भी एक एप्लीकेशन लिख के लेनी चाहिए, वो लोग जब चेंज कर रहे हैं। वो आपको ताजो होगा, ये बदरा से बदरकारी बोलते हैं। लेकिन मेरे पास एक पुराना फोटो है, मैं आपको डालूंगा, आजम खान की सराई में सबसे पहले मराठाओं के दौर में मूर्ति रखी गई, लेकिन मंदिर नहीं है, हालांकि वो पूजा होती थी, लेकिन आजम खान की सराई का एक हिस्सा था, बाद में ये मंदिर बनाकर इसको एक्सटेंड किया गया। वो लोग क्या समझते हैं कि उस मंदिर की वजह से बदर ना, ऐसा नहीं है। हाँ, असल में ये बदर बदर से बदर करके वो मंदिर भी था ना, तो आजम खान की सराई के उसमें मंदिर बनाया गया मराठाओं के दौर में, और फिर ये मंदिर बहुत बड़ा कर दिया गया। ये पुराने फोटो में आप देखोगे ना तो आजम खान की सराई दिखती है, बदर का किला दिखता, मंदिर नहीं नजर आया। जितने और औरंगजेब को जो है ना सुल्तान बनने में मदद की ने गुजरात के यहाँ के नगर सेठ थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, बहुत फेमस, इन्होंने पैसा दिया, औरंगजेब ने उनका अच्छा इस्तेमाल किया, उनकी मदद से औरंगजेब वहाँ के दिल्ली के वो बने सुल्तान बने। चले काफी इंसान है वो है चिन्मय बेरोने। आज भी एक कहावत मशहूर है कि अहमदाबाद के बाहर के इलाकों में पानी भर जाएगा, लेकिन जूने इलाके के अंदर पानी नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज लाइन इतनी अच्छी बनाई है कि पानी तुरंत निकल जाता है। तो जो ड्रेनेज लाइन है वो चिन्मय बेरोने की देन है, ठीक है। इसके अलावा अहमदाबाद को पहला गायनेक हॉस्पिटल जो दिया वो भी चिन्मय बेरोने ने दिया, जो कालूपुर रेलवे स्टेशन के एग्जिट सामने है, विक्टोरिया जुबली हॉस्पिटल, ठीक है। हाँ, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन दरअसल उनका नाम विक्टोरिया जुबली है। सॉरी, नहीं, ये जैन जैन, ठीक है। तो उनका एक पुतला वहाँ पर चिन्मय बेरोने का बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अपना वहाँ नहीं है, उसका रीजन नहीं है, वहाँ पर भीड़ भड़क का बहुत है। मैं जो बोलूँगा आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा, तो मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। अगर आपको पुतला देखना है, शख्सियत को देखना है, तो वहाँ देख सकते हो, नहीं तो फिर सीधा हम सीधी सैयद की जाली की तरफ आगे बढ़ता हूँ। सीधी मतलब जो आपके यहाँ के रहने वाले लोग हैं सीधी बोलते हैं, सीधी कम्युनिटी है उससे आगे रहने वाले। तो यहाँ अहमदाबाद में एक लंबा राज टाइम है सहादुद्दीन महमूद शाह, जो तीसरे मतलब बहुत से लास्ट दौर के अच्छे मशहूर सुल्तानों में से, तो उनके नौकर को एक बार ख्याल आया क्यों ना मैं इन सबको मार के हाकिम बन जाऊँ। उसने सहादुद्दीन महमूद शाह का कत्ल किया, बहुत सारे सीपे सालार का कत्ल किया, एक बाद में अफजल खान जो थे उनके बेटे ने उसको मार दिया। लेकिन ये सब जो हुआ अफरा तफरी में, तो उसमें सल्तनत लड़का भी और हफ्सी लोग जो थे उस वक्त सल्तनत में अच्छी अहम पोस्टों में थे। तो अहमद ये जो अहमदाबाद है बहुत कुछ वक्त तक जो है हफ्सियों के उसमें हाकिम और हफ्सी हाकिम हो गया, यानी पूरी हुकूमत जो है अहमदाबाद की हफ्सी लोग संभालते हैं। ऐसे एरिया वाइज काफ़ी जगह थे, एक मशहूर थे उसमें आपने नाम सुना हुआ चंगेज़ खान, चंगेज़ खान भी हफ्सी थे, उन्हीं के नाम से चंगेज़ बोले ना, असल में उनके नाम से ये वो चंगेज़ खान नहीं जो मंगोलिया के, ये हफ्सी चंगेज़ खान थे। हाँ, दरियापुर में चंगेज़ उसके लिए मैंने आपको
दो किताबें बताई वो पढ़ोगे ना तो अहमदाबाद के अभी के एरिया के नाम और उसके पुराने नाम आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, ठीक है। जिसको आज हम मीठा गली बोलते हैं दरअसल वो शेखपुर था, और जो मादलपुर आप सुनते हो वो दरअसल है इमादलपुर से वो हो गया है मादलपुर, ठीक है। तो बहुत सारे एरिया के नाम है जो धीरे धीरे चेंज होते हैं, उसका कोई वो नहीं है। मैं बात मेरी डिसकंटिन्यू होगी तो वो सीधी सईद जो थे मुस्तफ़ा रोमी खां करके जो तुर्क जो थे अफसी थे उनके साथ ही है, तुर्क लोगों के साथ जो है यहाँ पर आए तुर्क थे मुस्तफ़ा रोमी खां उनके साथ में अफसी ये जो थे सीधी सईद वो गुजरात में आए, और सादुद्दीन महमूद शाह के ज़माने में वो सुल्तान के बहुत करीबी हो गए, इसलिए इनको सीधी सईद सुल्तानी भी कहते हैं। जब अफसियों की हुकूमत आई तो गुजरात की सल्तनत में तोप खाना था ना अफसी लोग संभालते थे, और नेवी में जो थे तुर्क लोग थे, तो मलिक अयास करके ने जो दूसरे लोग थे वो सब तुर्की में नेवी में नौका काफले में तुर्क लोग हुआ करते। अब ये जो बिलाल खान करके थे वो मशहूर हफ्सियों के सरदार थे, उनका बेटा था जुलाल खान, वो सीधी सईद के दोस्त थे। उन्होंने एक बार को भरूच भी भेजा लश्कर में, लेकिन सीधी सईद ने कहा कि मेरे को लश्कर में दिलचस्पी नहीं है, मैं तो खिदमत कल करी जन सेवा का काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आप इनकम दे दो तो मैं खिदमत कल करूँगा। तो उन्होंने 50 लाख टंके की यानी उस वक्त की करेंसी थी टंका, उसकी इनकम वाले कुछ गांव जो है उन्होंने इनको दे दी गुजार, उसकी इनकम से मस्जिद जो बनी, और यानी मस्जिद बनने से पहले जो काम था असल तो खिदमत है कलकत्ता मस्जिद, बाद में बनना शुरू हुआ। हर रोज 1000 आदमी को खाना खिलाया जाता था, और वो कहते 20 मन खाना बनता था, और 10 मन जो है ना खास करके आलिम वगैरह थे उनके लिए अलग से जो इंतज़ाम होता था, या मदरसे बहुत थे मदारिस उसके उलमाई के काम थे, और जो मतलब लिटरेट पब्लिक थी एजुकेटेड उनके लिए अलग से खाने का इंतजाम था, और जो लोग माजूर थे पैर से अपंग थे उनको घर पे खाना पहुंचाया जाता था, ठंडी में कंबल भी बटते थे। तो ये सीधी सही का खिदमत खल का काम बहुत बड़ा था, और जिसको आज अहमदाबाद के लोग खिचड़ा बोलते हैं हलीम बोलते हैं उसको उस ज़माने में दसी सा बोलते थे, वो खिचड़ा बटता था यानी दाल और चावल और मिक्स करके जो खिचड़ा बनाते थे वो इब्तदा तब से वहाँ से खाना खिलाया जाता था ये, और हमारे लंगर मशहूर थे, मुसलमान सुल्तानों की पहचान लंगर खाना, कोई गरीब भूखा नहीं रहना था। अभी परंपरा मतलब हमने बीच में तोड़ दी है, अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ शुरू किया, जेन्यून हेल्थ फाउंडेशन है वो हर बुधवार को यहाँ पीछे खाना खिलाते हैं, एक और चाचा भी है जो बरसों से यहाँ मंगलवार कैसे का वो भी लंगर चलाते गरीब को खाना खिलाते हैं। एक जो है अच्छा हाँ पुरानी जामा मस्जिद जहाँ गए तो रविवार के अलावा 6 दिन सुबह में तो रियाज भाई भी है और इस्माइल भाई ट्रस्टी ये लोग खिदमत देते हैं, सुबह में खाना खिलाते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं लोग जो मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी हो नाश्ता सुबह नाश्ता कराया जाता है हफ्ते में 6 दिन पूरा वीक चलता है। एक अभी मोहपुरा में शुरू किया है हफ्ते में 3-4 दिन शाम को मगरिब के टाइम में खाना खिला, तो हमारी लंगर है ना हमारी पहचान, बरखेत के मदरसे में भी लंगर चलते थे उससे लोग इस्लाम के करीब भी आए, लंगर खाने में गैर मुस्लिम आते थे और वो समानता देखते थे, यहाँ भेदभाव नहीं है कास्ट नहीं है, उससे लोग मुतासर होकर बहुत इस्लाम। बात सीधी सईद की चल रही थी, सीधी सईद ने उनके बुजुर्ग थे शेख अब्बास करके जिन्होंने इस मस्जिद की मतलब यहाँ बुनियाद रखी थी, जब वो पुराने ज़माने की जो मस्जिद होगी बहुत छोटी सी ये उसके वो थे मतलब निगेबान थे सीधी सईद, उन्होंने फिर आस पास की जो जगह खरीद के जो इनकम आती थी उनका थोड़ा उलूक खान से प्रॉब्लम हुआ तो उनके दूसरे सरदार थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया उलूक खान ने, और ये इनकम चालू रही और ये फिर मस्जिद की तामीर करना सीधी सईद ने शुरू किया, और ये बिल्कुल आखिरी दौर में बनी है। इसे जो आपने देखी ना स्टार्टिंग के दौर की मस्जिद थी जाले सिंपल थी, 1572 में ये बनकर कम्प्लीट हुई, उस जमाने का जालियाँ देखो और ज़्यादा खूबसूरत, यानी गुजरात की सल्तनत का सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चर में ही है, और ये इसकी ये आइडेंटिटी आईएम के सिंबल में भी है अहमदाबाद के सिंबल में भी जाली है। ये जाली और वो जाली में क्या फर्क है मैं पीछे से बताऊंगा, क्योंकि ये जाली का असल में पीछे का हिस्सा है, असल की ओरिजिनल जाली है ना बाहर से अंबारक से जाकर देखे एक चीज समझा की पेड़ है बिल्कुल सेंटर इसकी ज्यादा ये पीछे का भाग है आगे आपको ऐसा दिखेगा, और ये मस्जिद जो है ना कोट तोड़ के बीच में बनाई यानी कोट के अंदर भी हिस्से में से वो दिखती थी बाहर का हिस्सा ये था ऐसा था। तो ये ना मुस्लिम यानी जो मुसलमानों की सल्तनत थी उसका सिंबल है खजूर का पेड़ वो वड़वाई है ना वो हिंदू आवाम है
एक मैसेज देने का मतलब था कि मुस्लिम सल्तनत में हिंदू अवाम सल्तनत के साथ घुल मिल कर रहते हैं। हाँ। तो ये उसकी वड़ की वड़वाइयाँ ये खजूर के पेड़ के साथ सिमट कर रहती है। एक मतलब मैसेज है इसका, ये इसको इस्तेमाल कर, ये वड़वाइयाँ हैं और खूबसूरत बनाए। देखो आप कितना अच्छा रक्सी बात अंग्रेज ले गए, लेकिन सही बात नहीं है। देखो ये फिजिकल डिजाइन है और यहाँ नहीं हुआ। मैं बात बता दो, बात पूरी बता, अब सुनो। पिछला भाग है ना वो, इसलिए वहाँ पत्थर लगा दिए, वो खाली था, पत्थर लगा दिए गए। असल में सबसे अच्छी डिजाइन वहाँ बनने वाली, लेकिन एक हादसा हुआ। वो हादसा ये हुआ कि पहले तो जुजार खान वो पैसा देते थे, फिर उलूक खान ने पैसा दिया। 1572 में अकबर ने अटैक कर दिया गुजरात का, दिल्ली चकले से गुजरात में, ये दिल्ली चकले दिल्ली दरवाजे से एंटर होता है और उसने अहमदाबाद फतेह किया। उसकी याद में रहीम खान ने खाना, जो रहीम के दोहे आप पढ़ते हैं, वो रहीम खान ने खाना ने इसको जीता और उसकी याद में फतेहवाड़ी में फतेह महल बनाया। अभी उसके सिर्फ खंडर है, खंडर है। हाँ, तो अहमदाबाद जीतने की खुशी में फतेह महल बनाया, उसकी याद में फतेहवाड़ी है इलाका। हाँ। फतेहवाड़ी है ना, फतेह माने अहमदाबाद की फतेह में मुगलों का बनाया हुआ पैलेस भी है। वहाँ गार्डन भी था बहुत मशहूर। हाँ। और बहुत सारे टूरिस्ट देखने आते थे वो गार्डन, ऐसा किताबों में जिक्र है। हाँ। तो ये काम अधूरा रह गया क्योंकि आवक खत्म हो गई। हाँ। तब किया बाद में अकबर ने इन्हीं को सीधी सईद को हज का अमीर बनाकर भेजा 3 साल बाद। हाँ। लेकिन जब वो हज करके आए उसके बाद चल दिनों इंतकाल। इसे लोग कहते हैं कि नेक काम की जितना करना है जल्दी करो, अब आदमी का इंतकाल हो जाए पता नहीं। इसमें तो ये जानी अधूरी रह गई, अंग्रेज नहीं ले गए। अंग्रेजों ने ये काम किया कि लकड़े के अंदर इस डिजाइन की कॉपी उसको लंदन के म्यूजियम में रखा। तो लोग क्या कहते हैं ओल्ड पीस में शायद थोड़ा सा क्रैक वगैरह आया था, लोग क्या कहते हैं अंग्रेज ले गए, अंग्रेज ले गए। सही बात है, तो ये जगह खाली है या अधूरेपन की निशानी है? बीच की जाली नहीं होना कि अधूरेपन की निशानी होनी चाहिए। देखो ये आपको सिंपल लगता है, ये भी सिंपल है, ये अधूरापन है, ये भी और खूबसूरत बनना था। किसी ने पेंटिंग छोड़ के कोई चला गया ऐसा आपको लगे, देखोगे ना। अब से पिलर्स भी देखो, डिजाइन एकदम अच्छा नक्शी काम, पिलर्स भी देखो भूकंप में टूटे हैं, लेकिन ये पिलर्स के नीचे का हिस्सा बताता है कि किसी ने काम अधूरा छोड़ कर कोई चला गया। जालियां भी साइड की आप देखो, फिजिकल डिजाइन कितनी अच्छी है। हाँ। ये साइड नहीं बनी, बीच की नहीं बनी, और ये भी पिलर्स भी ऐसे अधूरे रहेंगे, बिल्कुल सही है, अधूरेपन के निशान। अब हम पीछे जाएंगे, वहाँ से जाली देखेंगे फिर, और कुछ बातें और भी हैं तो यहाँ बताना ज़्यादा मुनासिब है, फिर अंदर भी जाकर हम मस्जिद देखेंगे, बात करेंगे। तो ये मस्जिद है ना 1411 से 1414 वो मस्जिद बनी, लेकिन अहमद साहब बादशाह को ऐसा ख्याल आया कि मैं क्यों ना हरम जैसी मस्जिद बनाऊँ। तो आप देखो उस वक्त की तादाद भी शायद इतनी बस्ती नहीं होगी, वो पूरे मस्जिद में भी लोग आए, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं मैं हरम जैसी बड़ी मस्जिद बनाऊं। तो ये मस्जिद का उन्होंने तामीर करने का इरादा किया और अब 1414 से लेकर 1424 में ये मस्जिद बनी। और एक बहुत अच्छा मौका अभी एनिवर्सरी का, 600 साल इस मस्जिद को पूरे हुए 4 जनवरी को, और मैंने एक मशवरा रखा है लेकिन आपस के ट्रस्टियों के झगड़े में प्रोग्राम नहीं हो पाया। अभी हाईकोर्ट ने इसी कमेटी को वो कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और कोई एडमिनिस्ट्रेटर गैर मुस्लिम आई, तो अभी वो प्रोग्राम अभी शायद रमजान बाद हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लंबी बात है, लेकिन बात ये है कि अभी वो 600 साल जैसे पूरे हुए, बहुत अच्छा मौका है, यहाँ होना चाहिए। ये लोग का तो कह रहे ही हैं कि ये मानव बाबा को दफन वाला है। अरे मैं आप बता दो, बताते हो जाएंगे आगे वो बात करेंगे। तो बात ये है कि ये मस्जिद को 10 साल बनने में लगे है ना, और 10 साल बाद ये मस्जिद तामीर। एक बात ये बतानी है दूसरी कि ये जो इलाका है वो अहमद साहब बादशाह ने जब आए तो उन्होंने तामीर किया अहमदाबाद, उन्होंने खत लिखे गैर मुस्लिम व्यापारियों को, खास करके लोग किताब में लिखा हुआ है कि आशावल में बहुत सारे जैन व्यापारी थे, कि आप यहाँ अहमदाबाद में इसलिए तामीर किया है कि यहाँ तजारत का वो सेंटर बने, तो आप लोग यहाँ आइए आपका वेलकम है। तो कहते हैं कि आशावल के बहुत सारे जैन व्यापारी जो है आस्टोरिया दरवाजे से अहमदाबाद में आए, ऐसे पाटन से और नॉर्थ गुजरात में जो बहुत सारे व्यापारी थे, हिंदू बनिया है या जैन है, वो सबको बुलाया गया। और ये जो माणिक चौक नाम पड़ा, असल में वो जो आप उधर जाओगे तो बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है सोना चांदी का, आज बादशाह के हजीरे के पास उधर के पास, जहाँ से आप उधर से आस्टोरिया से एंटर होते हैं ना वहाँ, तो वो उस ज़माने का बाजार है।
यानी बादशाह ने लाके इनको बसा ही यहाँ पर। आप इस बार भी जो आसपास देखते हो उसमें बहुत सारे गैर मुस्लिम व्यापारी आपको नजर आएंगे। इधर कंदोई भोगीलाल गुलचंद की 100 साल पुरानी पेढ़ी है, उसमें वहाँ फोटोग्राफ भी है उस टाइम पे। तो बहुत सारे व्यापारी यहाँ आकर बसे और अहमद साहब आसा ने उसमें दिलचस्पी ली और जो जैन व्यापारी जहाँ रहते थे वो जगह रतन पोल गिल्लाई रतन पोल झवेरा और एक मिनट बाद पूरी हो जाए फिर आपको। फिर झवेरी वार्ड झवेरी जहाँ लेते थे वहाँ झवेरी वार्ड तो रिली पोर्ट सिट्टा चेरी और उसमें यमन के जो अरब लोग थे वो उनके घरों की और उनके कारोबार की हिफाजत करते थे। तो आज भी यमनी अरब के वहाँ वो है दरगाह मजार है और जैन लोग भी उसका ख्याल रखते हैं। हाँ यमनी अरब तो ये उसकी ये हिस्ट्री है इस तरह से ताजिरों को लाकर यहाँ बसाया था। दूसरे की हिस्ट्री ये है कि अंग्रेजों की और डच लोगों की यहाँ कोठियाँ थी और तीन दरवाजे से बीच का जुम्मा मस्जिद के बीच में कोठी थी। कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्यूटोरियल स्कूल थी यहाँ वो भी मार्केट बन गया है, वहाँ पर शायद अंग्रेजों की कोठी थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे भी मकान ऐसे अंग्रेज जमाने के हैं। और ये जो यहाँ पुरानी सिनेमा है सेंट्रल बैंक ऑफ बड़ौड़ा के बाजू में वो डच लोग रहते थे। अभी भी वहाँ लिखा हुआ है बार बोर्ड वलंदाओं की हवेली, उनको गुजराती में वलंदा बोलते थे डच लोग। तो डच लोग सबसे आखिर में आए इंडिया में, पहले पोर्टुगीज आए फिर दूसरे हाँ फ्रेंच आए हाँ डच आए फिर ये आए अंग्रेज और फिर वो आए फ्रेंच। तो ये उनकी डच लोग की यहाँ पर वो थी कोठी बोलते थे हवेलियाँ वो रहते थे। तो सर टॉमस रो जो थे 1698 में यहाँ पर मिलने आया था जहांगीर से और जो उसने कारोबार की परमिशन मांगी ना उसने यहीं पर मांगी है, कोठी में रहता भी होगा टॉमस रो। जहांगीर से अहमदाबाद में मिला परमिशन मांगी और इतिहास की आप बात देखिए एग्जैक्ट 200 साल बाद अहमदाबाद पे ब्रिटिश झंडा लहराया गया। यानी कोई कौम अगर आगे बढ़ती है तो 200 साल की जनरेशन इतनी सारी जनरेशन की जद्दोजहद के बाद वो कहीं कहीं मतलब काबिज होती है। 200 साल की उनकी जद्दोजहद 1818 में जनरल डनलॉप था वो खान जान का गेट है वहाँ पर उसने तोप से उड़ा दिया कोर्ट को और वहाँ से वो अंग्रेज सेना नदी किनारे से अंदर अहमदाबाद में डेवलप अंदर एंटर होती है और 1898 में अहमदाबाद ब्रिटिश होकर एंटर में आ गया। वहाँ से भी ब्रिटिश का पीरियड जो है वो शुरू होता है। ये छोटी सी हिस्ट्री है यहाँ के आसपास के कारोबार की और इसकी के अंग्रेजों ने क्या किया। अब अंदर जाएंगे ये आप ये देखते हैं मंडप, ये भी एक मतलब क्या है गुजरात के आर्किटेक्चर का वैनी मंडप जैसे एंट्रेंस में आपको बहुत सारी जगह मंडप नजर आएंगे है ना। तो हिंदू आर्किटेक्ट में भी ये चीज़ें हैं मंदिरों में आपको मंडप देते हैं एंट्रेंस में ऐसा खूबसूरत बनाया है लेकिन ये ख्याल रखा गया है कि मूर्तियाँ वगैरह ना। देखो ये जो लिखा है ना ये रानियों के रानी का अजीरा कहते हैं, अजीरे से गुजरात से रोम से मतलब ये आया है वो बादशाह का अजीरा है और ये रानियों का कब्रिस्तान मतलब जितनी शाही परिवार की औरतें थी उनको यहाँ दफनाया जाता। तो उसमें दो कब्रें मशहूर है अभी नाम में इधर आगे पीछे हो जाता है जो बीच में है सेंटर में, एक है मुगली बीबी और एक है मिर्की बीबी। अब ये राजा जो सिंध के थे जाम उनकी दो बेटियां थी और ये जो मालूम है गलत है लेकिन थोड़ा अफसोस भी होता है कि हमारे यहाँ यानी इतनी लिखी हुई ऑथेंटिक बात भी जो है यानी लोग आते हैं ये अहमद शाह की बेगम नहीं थे उनके बेटे मोहम्मद शाह की बेगम मुगली बीवी और मुगली बीवी है ना मोहम्मद शाह की बीवी और महमूद बेगड़े की मम्मी वो और मिर्की बीबी है ना वो शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह उनकी बेगम ये सही है हमारे बराबर और ये इनका मीरा दादा उनकी बीवी बेगम के बजाय। अब उसमें हुआ ऐसा के शाह आलम रहमतुल्लाह की बीवी थे उनका इंतकाल हो गया मेरी की बीवी तो उन्होंने मुगली बीवी थी जो महमूद बेगड़ी की अम्मी उनसे शादी की। तो ये दोनों बहनें थी और मोहम्मद शाह और शाह आलम रहमतुल्लाह ये साढ़ू भाई लोग बराबर। तो ये महमूद बेगड़े के खालू थे शाह आलम रहमतुल्लाह और बाद में मतराए बाप हुए क्योंकि उनकी अम्मी से उन्होंने शादी की तो मतराए बाप भी हुए और सगे खालू भी हुए। अब इनका एक मशहूर वाक्य ये है महमूद बेगड़े का कि जब वहाँ मांगरोल नाम की जगह है वहाँ सूफी सिकंदर साहब उनका मजार है बहुत मशहूर है तो मखदूम जहानी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की दावत के लिए उनको वहाँ अपॉइंट किया मांगरोल में। तो वहाँ लोग इस्लाम कबूल करते थे तो राम मंडलिक जो राजा था जूनागढ़ का वो उनको परेशान करता था। उन्होंने खत लिखा शाह आलम रहमतुल्लाह को मैं यहाँ दीन की दावत के लिए मुझे भेजा गया है लेकिन मुझे परेशानी है राम मंडलिक बार बार परेशान करता है
दो बार तो ये इनके मथुराए बेटे भी थे, तो उन्होंने शायल अमृतुल्लाह ने महमूद बेगड़े को कहा कि तुम एक्शन लो, दो बार उसको वार्निंग दी, फिर भी नहीं माना तो लास्ट में हमला किया और जूनागढ़ फतेह किया। उसको कहा कि तुम कहा तो इस्लाम कबूल कर ले या तो फिर मतलब जंग के लिए तैयार हो जा। तो बाद में उसने धोखा दिया, लड़ाई भी की, छिले आखिरी वक्त उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। फिर उनको लेकर महमूद बेगड़ा यहाँ आए, उनको खान जान लकब दिया, उनके नाम की खान जान की मस्जिद रायखंड में और उनको यहाँ दफनाया है तंदोई भोगीलाल मूलचंद की बाजू की दुकान में, उसका एवर्ट चतुर्सन संभालता है। तो आप बहुत सारे लोग आते हैं, उनका मजार भी देखते हैं, जो मेरा को खुलता है, लोग अगरबत्ती वगैरह भी करते हैं, तो वो खान जान है। और ये प्राणी का वो है। अब यहाँ क्योंकि औरतों का ये कब्रस्तान है तो उसकी वजह से देखो इसके नक्शी काम है, उसको पर्दा किया रखा गया है, जैसे ऊपर नहीं है बादशाह के हीरे जैसा, वैसे जालियों का इसको जो है पर्दा किया गया है। ये इसकी थोड़ी सी वो है, आजू बाजू पंडाल वगैरह है, तो ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ के रहने वालों ने सब मतलब जो भी है, अरे ये तो अभी कम है वाकई, तो इनको पूरा पैक था जो लोगों के सामने, अभी भी देखो है सामने। अभी तो थोड़े टाइम पहले तो कॉर्पोरेशन ने साफ किया था, मीरा दादा रहमतुल्लाह अलैह की बेगम का यहाँ लिखा है, तो मीरा दादा आपकी तो शादी नहीं हुई थी अब तो पता नहीं है। हाँ वो मैंने इंटर होते ही एक्चुअली थोड़ा है, इसके लिए मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने दो तीन एविडेंस जमा करके रखे है, उसके बाद फिर इसका अपना कुछ करते हैं। क्योंकि वो तो आपकी तो शादी होने वाली थी हजरत मीरा दादा से, एक चीज समझिए आपा कि जब आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हो ना तो तुमको धुक्का दिया जाता है। मैंने कहा कि हमारी अम्मी वो क्यों शुरू होगी, हमारे किसी चीज की हमको कीमत कदर नहीं है, तो उसके लिए हम लड़ेंगे क्यों? ये आपको मोहिदीन भाई बॉम्बे वाला भी अंकल भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। वो एक, नहीं एक, वो है कांटेक्ट। देखो एक एक आसान शब्दों में बताता हूँ, ताजमहल पे आप चाहो उतना खर्चा करवा सकते हो क्योंकि वो कमाऊ दिख रहा है, ये कमाऊ दिख रहा नहीं, ये तो दिखेगा नहीं, हम करेंगे जल्द दिखता है। बहुत अच्छा काम आपने स्टार्ट किया और आगे भी इसको कंटिन्यू करना। मैं क्या चाहता हूँ वॉक के बारे में आपको फीडबैक दी, क्या करना चाहिए ना, तो बहस अभी बहुत लंबी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फर्स्ट हेरिटेज वॉक थी आसिफ शेख भाई के साथ, ये मैंने ग्रुप में देखा, ज्वाइन किया और बहुत अच्छा भी लगा। एक ऑथेंटिक और प्रॉपर नॉलेज हेरिटेज वॉक, इन्होंने जो वर्ड रखे हैं ये हकीकत में एक वॉक के थ्रू ही हो सकता है। इसमें अच्छा खासा टाइम चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए ताकि ये सही नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और जब हम सही नॉलेज हमको मिलेगा तो हम हमारी आवाम में, हमारे दोस्त यार में स्प्रेड करेंगे, और जब वो सही स्प्रेड होगा तो लोगों को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आएगा कि भाई ये हेरिटेज क्या चीज़ है। आज बहुत टाइम से हम रहते हैं, हमको भी नहीं मालूम, लेकिन ये लोगों की एक खिदमत है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी करना बहुत ईजी है, बट उसको प्रैक्टिकल पे इस तरीके लाना और टाइम देना और लोगों को समझाना, मैं ये सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और ये लोग भी जो आए हैं, हम लोग भी मेहनत करें अपने माशरे में और लोगों को स्प्रेड करें, और अगर हम इसमें कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह आगे ये वॉक में हमारी दूसरी तादाद दिखेगी, लोग भी ज़्यादा जुड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और कौन बोले? देखो मैं सायरा बानू, और जो आपने आसिफ भाई ने ये जो काम स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, जो आज तक किसी ने नहीं किया ये काम, तो अहमदाबाद से इन्होंने स्टार्ट किया है, आगे इंशाल्लाह बहुत लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। और मैं रिक्वेस्ट सबको करती हूँ कि आप आने की कोशिश करो, जो हिस्ट्री है उसको जानने की कोशिश करो, उसको फॉलो भी करो और सबका साथ भी दो, हमको ओरिजिनल जो है हिस्ट्री वो ला के रखनी है। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी स्टार्ट की है, मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि इन्होंने स्टार्ट की, और इत्तेफाकन मैं बॉम्बे से यहाँ आ गई और मैं भी जुड़ गई साथ में। आगे भी इंशाल्लाह अगर आसिफ भाई जान आप लोगों की टीम को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह मैं साथ देने को तैयार हूँ, और आगे इनकी ये कामयाबी अल्लाह के लिए दुआ करूँगी कि इनको इससे ज़्यादा कामयाब करें, और तंदुरुस्ती के साथ, ईमान की दौलत के साथ इनको कामयाब करें। मैं ये बयान मेरा ख़त्म कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिर्ज़ा अनीस बेग करते GST इंस्पेक्टर हूँ मैं, और ये आसिफ भाई की लिंक आई थी मेरे मोबाइल में, फिर मैंने ज्वाइन तो उस टाइम पे नहीं हो सकी, दोबारा ज्वाइन करने का तो लिंक चली गई थी, एड्रेस भी नहीं था, फ़ॉन्ट भी नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैंने माइंड लगाया कि जुम्मा मस्जिद पहला लिखा हुआ है तो मैं वहाँ पहुँच गया, मेरा नहीं होगा तो मैं घर चले जाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ
गया तो ये लोग मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो ये काम शुरू किया है वो तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन साथ साथ में उससे एक अच्छी बड़ी चीज़ ये है कि जो अदर गाइड्स आते हैं और उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके हिसाब से गलत बात समाज में फैलती है, तो गलत के सामने अच्छाई की लड़ाई ये एक मुहिम के साथ साथ चल रही है। मैं ये बोलना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। ये आज 18 फरवरी के रोज़ हमने सुबह 9 से 12 तक ये अहमदाबाद की हेरिटेज वॉक रखी थी शहर, वो इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि इसके पहले जो कुछ मैंने देखा है उसने बहुत दिलों को तकलीफ़ दी। खास बात यह है कि जब अहमदाबाद कॉरपोरेशन की तरफ से डेली हेरिटेज वॉक होती है, उसका नाम लिखा है मंदिर से मस्जिद तक, लेकिन मैंने गाइड को देखा कि वो जो एक ही सी मस्जिद उसे बताते हैं बाकी सब मंदिर है, लेकिन बड़ी जामा मस्जिद में आकर वो जो बात भी की हौज के बारे में, मुझे ऐसा लगा कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात जा रहे हैं, गलत मालूम दे रहे हैं। तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि शहर मुसलमानों ने बसाया, मुस्लिम सुल्तानों ने बसाया और हम ना कदरे लोग, हम खुद हमारे बादशाहों सुल्तानों ने बनाए उस शहर की हम कदर नहीं जानते। गैर मुस्लिम हज़ारों की तादाद में आते हैं, लेकिन जिन मुसलमानों को जब आवाज़ देते हैं तो बहुत चंद लोग आते हैं। मैं मायूस नहीं हूँ हालात से, कोशिश जारी रहनी चाहिए, आज नहीं तो कल लोगों को एहसास होगा। लेकिन इनके पुरखे जिनके सुल्तान लोग इतना बड़ा काम करके गए और हमारी नस्लों को खाली एहसास करा दिया जाए कि तुम्हारे पुरखे क्या करके गए, तो हो सकता है इस कौम को एक नई ज़िंदगी मिले। इस एहसास के साथ हम ये हेरिटेज वॉक हमने शुरू की है, अलहम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में जुड़े। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो लोग जाएंगे पैगाम लेकर तो शायद और नए लोग जो इसमें जुड़ेंगे। हमारे दो तीन बड़े काम हैं। एक काम ये है कि हमने हर संडे की जो है हर मंथ का तीसरा रविवार है वो हम ऐसे हेरिटेज वॉक कर रही है सिर्फ रमज़ान के अलावा, तो रमज़ान के बाद भी जो हर महीने का तीसरा रविवार आएगा तो इस ईद के बाद जो आएगा उसमें हम मुस्लिम फैमिलीज़ की रखेंगे, किसी को अकेले मतलब नहीं इजाज़त देंगे, लेकिन अगर मुस्लिम फैमिली पूरी आती है अपने बच्चे के साथ औरतों के साथ तो उनके लिए हम एक वॉक रखने वाले हैं। और उसके बाद के महीने में हर थर्ड को हिंदू मुस्लिम सबके लिए हम ओपन रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कॉरपोरेशन की वॉक में 150 रुपये होते हैं, हम फ्री वॉक करेंगे और चाय नाश्ता भी हम हमारी ओर से कराएंगे आने वालों। ऐसा हमारे बहुत सारे जो मतलब वेल विशर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम लोगों को चाय नाश्ता कराएंगे, सिर्फ आप आओ और हमारे पुरखों ने जो बना कर गए मैसेज दे कर गया उसको समझें। दूसरी बात ये मस्जिद है सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये किसी के दिल और जज्बात है जिन्होंने इसको तामीर किया था। ये हमारे मस्जिद देखने के बाद हमारी वो दीन की दावत है कि जिन्होंने मस्जिद बनाई है तो इस्लाम कैसा होगा, दीन कैसा होगा, ये जानने की भी लोग कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए ये दीन की दावत का ज़रिया भी है। तो हमारी पूरी कौम को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को दावत भी दें, गैर मुस्लिमों के लिए हम दीन की दावत का ज़रिया बने और मुसलमानों के लिए हौसला और जज्बात बढ़ाने के लिए एक ज़रिया बने, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और आप सबसे भी मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर हम आने वाली हेरिटेज वॉक को आप कम से कम अपने एहसास जज्बात दूसरों को बताएं तो वो लोग तैयार होंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। यहाँ से तो थोड़ा सा बात मुंतकिल भी करें। और एक अपना एक और प्रोग्राम है जो हमने थोड़े दिन पहले किया था, 15 दिन पहले, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया और सोशल मीडिया पर मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल आए, वो है भूली बिसरी मस्जिदों की मुलाकात, और ख़ास करके जो गनान वापी मस्जिद का भी वाकया हुआ। तो उसके बाद ऐसा एहसास हुआ कि हम खुद भी तो कहाँ अपनी मस्जिदों को छोड़ चुके हैं, फिर हम इल्ज़ाम लगाते कि लोग हजम कर रहे हैं, लेकिन हमारी खुद अपनी तवज्जो नहीं है। तो अहमदाबाद में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी वीरान हैं या जहाँ नमाज़ी नहीं जाते या वहाँ लोग बहुत कम जाते हैं, तो क्यों ना ऐसी मस्जिदों की मुलाकात करें। तो अभी एक सहारनपुर की 4 और ईसनपुर की 2-6 मस्जिदों की हमने मुलाकात की, अब इंशाल्लाह और दूसरे एरियाज़ में जाने का इरादा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कॉल के आप हमें भी जोड़िएगा, तो इंशाल्लाह दरियापुर कालूपुर कभी सरखेज बाजू जहाँ कोई नहीं जाता, जिसकी कोई मुलाकात नहीं लेता, ऐसी जगह जाना है। क्योंकि जैसे सहारनपुर की रानी की मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है लेकिन वीरान है। तो ये मस्जिदें जैसे अगर आबाद नहीं हुई तो कल के पत्थर को भेजा देने वो आखिर हमारे खिलाफ गवाही देंगे। यस, गवाही देंगे, वो बात भी है कि लोगों ने ना जो जेनरेशन है उनको तो मालूम ही नहीं है, इन्होंने जो है ना हमको आबाद भी नहीं किया और हक अदा नहीं। तो मैं बहुत इमोशनल हूँ इस बारे में। तो हमारा इरादा ऐसा है कि इसको आप खूबसूरत इमारत मत समझिए, इसमें हमारे बसने वालों ने जान लगा दी।
आगे कुछ बनेगी, और अगर वो कौम नाकदरी करती है तो बहुत तकलीफ होती है। तो कोशिश होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा गरीब है उसको कोई कह दे कि तेरे पुरखे थे करोड़पति, तो उसके अंदर कितना हौसला जग जाए। अगर हमारी ये कौम को बता दिया जाए कि तुम्हारे पुरखे ने बहुत कुछ करके गए, तो मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर हौसला जागेगा, ये कौम कुछ करने के लिए लायक बन जाए। उसकी ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन टंगसाल डैमेज है, बहुत डैमेज है वो। मैंने जाके इंक्वायरी करी थी, एक्चुअली सेप के जो अभी की बैच चल रही है स्टूडेंट की, उनको प्रोजेक्ट रिनोवेट करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन फंडिंग का कुछ इश्यू है, उसके लिए थोड़ा काम स्लो चल रहा है। सेप्ट के जो भी स्टूडेंट है उसको वापस से उसकी ओरिजिनल शक्ल में लाकर खड़ी करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा। और टंगसाल में ऐसी ही दूसरी 3 या 4 और मस्जिद है, जो बाहर से तुमको ऐसा लगेगा कि ये अभी नहीं है, बट है दरअसल वो ऑलमोस्ट 300, 350, 400 साल पुरानी। इसके अलावा जैसे आसिफ भाई ने बताया कि भाई कालूपुर दरियापुर के अंदर हम भूली बिसरी मस्जिदों के बारे में वापस एक वॉक रखेंगे, तो कालूपुर दरियापुर के अंदर भी बहुत ऐसी मस्जिद है जो हमको ऐसा लगता है हमारा एरिया है, ठीक है, जहाँ पर मुस्लिम बस्ती काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी वो मस्जिद वीरान है। तो वो मस्जिदों के बारे में भी अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट वॉक के अंदर मालूमात देंगे। आप ये देखो फतेहवाड़ी का महल है, देखो ना। अब मैं जुआपुरा में मैं समझता हूँ 99% को नहीं पता कि ये फतेह महल कहाँ है। लोग पूछते हैं भाई फतेह महल की नाम फतेहवाड़ी कैसा है, वो भी नहीं खबर। लोग गार्डन था बहुत अच्छा, हाँ, गार्डन भी था। तो जो कौम क्या है अपने इतिहास से ना मतलब बेखबर रहती है ना, भविष्य नहीं बना सकती। वहाँ से पूरा साबरमती का ये दिखता है। तो मैं गया और उसकी हिस्ट्री पढ़ी ना, तो जब ऐसा एहसास होता है कि पढ़ने के बाद कितना सारा छोड़ कर लोग आए, लेकिन हमको कदर की कदर नहीं है। और इसकी इनकम आएगी ना, ऐसा प्रोग्राम रखो हमारे तक, तो हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं है, उनकी जेनरेशन को पता चले। मुस्लिम फैमिली का ईद के बाद इंशाल्लाह वेकेशन फैमिली के साथ तय किया है, और इसके पहले हमने एक हेरिटेज वॉक की थी मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें भी काफी लोग आए थे। और इसके पहले जीपीएससी के क्लासेस के लिए करी थी, उसमें 40 गैर मुस्लिम आए थे, लड़के लड़कियाँ, और 7 मुसलमान थे। तो उसमें ताज्जुब की बात ये रखा था मुसलमानों के लिए, लेकिन गैर मुस्लिम 40 आए, और प्रोफेसर अजमेरी साहब लेकर आए 40 बच्चों को, सब ने बहुत खुश हुए। और मुसलमान इंस्टीट्यूशन ने परमिशन मतलब ऐसी कोशिश नहीं की, तो सिर्फ 7 लोग आए, और आप इतने खुश हो। दूसरे बात उनके दीन के बारे में बहुत सवाल आते, जो भी आए ना गैर मुस्लिम बच्चे, मुसलमान क्या करते हैं मस्जिद में, क्योंकि जितना इस्लाम के खिलाफ हंगामा है, प्रचार है, हमारे लिए गोल्डन मौका है कि हम सही मालूम आते हैं, इसीलिए वो लोग खड़े हुए हैं। हाँ, अभी आप ये जितना मुसलमान इस्लाम के खिलाफ अप्रचारण है, लोग इसको माइनस पॉइंट समझते हैं, मैं इसको पॉजिटिव देखता हूँ कि किसी ने आपके खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया, आप जवाब तो दीजिए। जब आप यानी मैं ये कहता हूँ कि आप जब ये दावा करते हो हम दीन हक पर, हमारा दीन सच्चा है, आप पेश तो कर नहीं पाते, आप अच्छी तर्कबद्ध दलील से उसको हक नहीं समझ पाते, खाली मान लेने से क्या होता है। आप दुनिया के सामने तर्क और दलील से उसका हक होना साबित कीजिए, दुनिया सुनने को तैयार है। ऐसे मैंने कितने लोग देखे, हम बुक फेयर में स्टॉल लगाते हैं, आप बात करते हैं, अच्छा ऐसा है इस्लाम है, बोले अभी तक तो किसी ने बताया नहीं, अब तक तो खबर नहीं, खबर नहीं है। हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी नई जनरेशन है ना, उसके कैपेबल बने, जो दीन को आप दीन हक होने का दावा करते हो ना, उसको अच्छे अंदाज में पेश करना सीखो, माहौल बदलेगा, हालात बदलेंगे, और हमारे खिलाफ जो हंगामा खड़ा है ना वो इंशाल्लाह दूर होगा, और ये जो हंगामा है वो इंशाल्लाह दीन की दावत का जरिया बन जाएगा। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, यहाँ पर हम आर्टिस्ट लोगों को भाई जान, तो उनको ये बुला के यहाँ के नक्शे काम बताओ कितना अच्छा। 25 तारीख को मॉर्निंग में, अगली ये नेक्स्ट सैटरडे को मैं सरखेज रोजा की हेरिटेज वॉक करने वाला हूँ, गुलशन मेहर स्कूल के बच्चों 24 शनिवार को गुलशन मेहर स्कूल के बच्चों की हेरिटेज वॉक करना चाहता हूँ, और हो रही है, अगर आपके बच्चों को वहाँ पर भेजना हो, लेकिन वो एक्सक्लूसिव सिर्फ बच्चों के लिए है, तो आपके कोई के भी बच्चों को अगर उसमें भेजना है तो मुझे एडवांस में इन्फॉर्म कर देना, मैं वहाँ पर परमिशन दिलवा दूंगा, ठीक है। और हमारा ये प्लानिंग है मेरा और आसिफ भाई का भी के अभी रमजान में तो देखेंगे, रमजान के बाद इंशाल्लाह हर मंथ में एटलीस्ट 2 हेरिटेज वॉक होगी। मेरा प्लानिंग ये रहेगा कि मैं सरखेज रोजा सिर्फ बच्चों को लेकर एक हेरिटेज वॉक करूंगा,
और एक वो आसिफ भाई और मेरी साथ में रहेगी, जिसके अंदर हम रेंडमली करते रहेंगे, मतलब एक जो ये रूटीन वॉक हमने की जो ऑलरेडी सब देखते हैं मॉन्यूमेंट, ठीक है, वही वॉक करेंगे, और एक वॉक ऐसी करेंगे जिसके अंदर भुली बिसरी मस्जिद है जो हमने लास्ट टाइम की थी, हाँ। जिसके अंदर बहुत कम ऐसी मस्जिदें हैं कि जिसको लोग जानते हैं, ऐसी मस्जिदों के बारे में हम आपको बताएंगे, वहाँ पर ले जाएंगे, तो इंशाल्लाह जुड़े उसमें भी। एक रूट तो ये है, तीन रूट तय किए जो रेगुलर होते रहे, अगर इसमें तादाद बढ़ी तो इंशाल्लाह महीने के हम एक के बजाय दो भी करेंगे। दूसरा रूट है महमूद बेगड़े के जमाने की मस्जिद है, जिसमें बाबा लवलवी की मस्जिद, रानी सिकरी, वाफिस्तान की मस्जिद, भाई हरीर की, और एक गोमतीपुर की झूलता मीनारे वाली मस्जिद। ये पांच मस्जिद कवर करेंगे टू व्हीलर के साथ, जो डिस्टेंस में है, तो एक रूट टू का भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी, दो तीन महीने, एक बार ये अच्छा चलता हो जाए तो फिर रूट टू का भी इंतजाम करेंगे। और रूट थ्री जो है वो सरफेज का, उनके पीछे एक मस्जिद है और एक इरादा है, एक इरादा कंसेप्ट है खाली, अभी तो इंशाल्लाह उसको मुकम्मल यानी अमल के मैदान में लाना है, वो विजिट जुआपुरा सर के, जुआपुरा के खिलाफ जो मीडिया में आता है, जैसे एक बदनाम बस्ती हो, तो हमारा इरादा है कि सिर्फ गैर मुस्लिमों को बुलाएंगे जुआपुरा, उनको हम सरखेज का रोजा दिखाएंगे, मस्जिद सकीना है वो दिखाएंगे, एपीएमसी मार्केट, और इंशाल्लाह फतेह महल, फतेह महल में ऊपर जाना थोड़ा रिस्की है, लेकिन ये चार चीजें दिखाएंगे, हाँ। और उनको जुआपुरे का कराएंगे, जिस जुआपुरे को आपने मीडिया में खराब देखा है, उसको लाइव देखिए और उसको आकर आप लोगों से भी मिलिए, तो उनका क्या वो दूर हो, तो ये विजिट जुआपुरे का इच्छा रहेगा। तो यहाँ बात करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और कोशिश कीजिए कि और लोग आइंदा जुड़े, आप भी बहुत शुक्रिया। आप सब भाई जानों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके भी। अच्छा चलो मैं दुआ में।